राहुल के खराब फॉर्म की वजह से उनको मैचेस से तो निकाल ही दिया, उनकी वाइस कैप्टनसी भी उनसे छीन ली गई, जिसके बाद अब कई क्रिकेटर्स ने केएल राहुल पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सबके ओपिनियंस काफी डिफरेंट है, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, कोच हो या फिर एक्स क्रिकेटर्स। खराब फॉर्म चल ही रही थी और अब एक और बार केएल राहुल एक रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया बट गया और मीम बाजार बन गया। लोग कहने लगे कि मेन मैचेस में तो केएल राहुल से रन बनते नहीं है, पर आईपीएल में मानो इनसे अच्छा कोई खेलता नहीं है। जिसके बाद अब क्रिकेटर्स ने भी अपने ओपिनियंस देने शुरू कर दिए हैं। जब कैप्टन रोहित से केएल राहुल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने काफी कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि हम पर्सनल परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि पूरी टीम एक साथ कैसा खेल रही है। और अगर हम केएल राहुल की बात करें तो अगर आप उनकी इंग्लैंड 2021 की सीरीज देख लें, साउथ अफ्रीका 2022 की सीरीज देख लें, तो वो सीरीज कितनी अच्छी थी। उनके पास काफी पोटेंशियल है और हम पोटेंशियल को ही देखते हैं। और अगर हम सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ केएल राहुल नहीं, बाकी सभी प्लेयर्स के लिए काउंट किया जाता है। जैसे कैप्टन रोहित ने केएल राहुल को बैक किया, कोच द्रविड़ भी केएल राहुल को बैक करते नजर आए और उन्होंने कहा कि कई बार ना चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती है, और जब चलने लगती है तो केएल राहुल के पास क्लास भी है और केएल राहुल के पास क्वालिटी भी है। हरभजन सिंह ने भी वाइस कैप्टनसी पर कमेंट की और कहा कि अब उनको वाइस कैप्टन शायद इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि इनके आगे के मैचेस में उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसके बाद शुभमन गिल उनको रिप्लेस कर सकते हैं। पर केएल राहुल एक काफी अच्छे प्लेयर है, उनको वो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन में काउंट करते हैं, पर उनके जो फॉर्म है, उनके जो आगे के रन्स हैं, वो वाला जो उनका रिकॉर्ड है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था। यहाँ प्लेयर्स तो सपोर्ट करते नजर आए, बैक करते नजर आए, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केएल राहुल को काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे वेंकटेश प्रसाद। ये एक्सपोरिंग कोच रहे हैं जिन्होंने अब केएल राहुल को टारगेट बना लिया है और उनकी स्किल्स, उनके रन्स, उनकी फॉर्म सबको लेकर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इनके ट्वीट्स काफी वायरल हो गए और ये काफी दिनों से हेडलाइंस में भी बने हुए हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि पिछले 20 साल में ना इंडियन क्रिकेट में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जिसने इतनी लो एवरेज के साथ टेस्ट क्रिकेट खेला हो, पर केएल राहुल अब वो बैट्समैन बन गए हैं। अब केएल राहुल की रिप्लेसमेंट को लेकर बात चल रही है तो सब ये कह रहे हैं कि शुभमन गिल केएल राहुल को आगे के मैचेस में रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल की जो फॉर्म है वो काफी अच्छी चल रही है सभी फॉर्मेट्स में। और जिसके बाद लोग अब ये भी सोचने लग गए हैं कि शायद शुभमन गिल कुछ महीनों के लिए केएल राहुल को परमानेंटली रिप्लेस कर सकते हैं। पर फैंस यही सोच रहे हैं, जैसे किंग कोहली ने अपना कमबैक किया था, शायद केएल राहुल भी वैसा ही कमबैक करे। आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल केएल राहुल को परमानेंटली रिप्लेस कर देंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।